Hi, this is Manit Joura and I welcome all of you on Joinfilms. मौत। तूने मेरे को कहा था कि तूने ही पृथ्वी को शर्लिन के रूम से बाहर आते हुए देखा। तूने ऐसा क्यों कहा? तूने इसका मतलब शर्लिन को इसके साथ एक्चुअल में नहीं देखा। Ladies and gentlemen, presenting हमारी कंपनी के दो सुपर ब्रांड्स। मेरा इंट्रो बाद में क्यों? करण प्लीज, अभी तुमसे सीनियर है टीवी पर। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो मनित, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर बात करकर, क्योंकि अभी अभी आपकी आने वाली फिल्म फलसफा। जी, ये फलसफा का फलसफा क्या है? फलसफा का फलसफा ये है कि हम आपके पास एक कहानी लेकर आ रहे हैं जो कि अपने आप में ही एक मैसेज भी है सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए। रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं, जैसे हमारा जो ओपनिंग टाइटल है, अगर आप ट्रेलर देखें तो If you avoid one moment of anger, you can avoid 100 days of sorrow. तो फलसफा तो आने वाली है बहुत जल्द, हम लोग सब देखेंगे। लेकिन मनित का जो फसाना है वो कैसे शुरू हुआ? मतलब ये पहली बार कब दिमाग में आया कि चलो यार एक्टर बनते हैं? सर, मेरी कहानी दिल्ली से शुरू हुई थी। मैं दिल्ली से पैदा बड़ा हुआ, अपनी सारी एजुकेशन दिल्ली से करी, और मैं पढ़ाई में एवरेज था हमेशा। सिर्फ ये सोचा कि यार पासिंग मार्क्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करो तो आप एक्टर बन जाओ। बिल्कुल, ये एक बड़ा मिथ है कि आप पढ़ाई नहीं करो तो आप एक्टर बन गए। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। आपके एपिसोड में नसीर साहब ने कहा था एक पढ़े लिखे एक्टर में और एक अनपढ़ एक्टर में फर्क होता। तो ये फर्क मुझे तब समझ में आया जब मैं एक्टिंग मैंने ज्वाइन किया। तो वो वीडियो आपने देखा था? जरूर देखा, मैं आपके सारे एपिसोड देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसमें एक मैसेज है, एक काबिले तारीफ चीजें। तो ये तो समझ में आ गया कि एक्टर बनना है, तो सबसे पहले रुक कहाँ किया आपने? मतलब कहाँ सोचा कि पहले जाके खटखटाता हूँ कि यार चलो एक्टर बनना है? सर, उन दिनों 2005-06 के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। लोगों को ऐसा लगता था कि यार आप, क्योंकि मिस्टर जॉन इब्राहिम, मिस्टर डीनू मौर्य, बिपाशा बासु एंड ऑल ऑफ दैट, तो हम उन्होंने क्या मतलब वो मॉडलिंग वर्ल्ड से आए थे, तो उनको लगा था कि यार हम लोग अगर मॉडलिंग ज्वाइन करेंगे तो हम एक्टिंग ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, बैकडोर एंट्री है शायद। हाँ, तो ये दिस इज़ लाइक एक शॉर्टकट है। तो मैं जब कॉलेज में था तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुमको अगर एक्टर बनना है तो तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ दिल्ली में। ओके। तो मुझे लगा यार ये तो बढ़िया बात है। तो मेरे पास एक लैपटॉप था जो कॉलेज में था, तो मैंने वो किया और उसने देखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एड्रेस निकाला और सीधा पहुँच गया। ओके। वहाँ पर देखा बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस लगा था, वी नीड एक्टर्स, काइंडली कॉल ऑन दिस नंबर। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप SRC में आ जाओ, श्रीराम सेंटर, उसके बाजू में ही था। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे को मिले और उन्होंने मुझे कहा कुछ कर लेते हो, तो एक्टिंग करिए पहले कभी। मैंने बोला सर पहले तो नहीं करी, लेकिन पहले आप यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। तो बोले ऐसा नहीं होता यार, हमारा तो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, तुम आके ऐसे कैसे एक्टिंग कर लोगे, मतलब तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर कहाँ सीखना पड़ता है? तो बोले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर एक क्या था, ये प्री रिक्विजिट था कि आपको वो एग्ज़ाम देने के लिए आपको कम से कम 5 प्लेस करने जरूरी है। हाँ, ग्रेजुएशन जरूरी है और ग्रेजुएशन जरूरी है और 5 प्लेस करने जरूरी है। right. मुझे लगा यार कि 5 प्लेस ये मुझे पहले करने पड़ेंगे तो यहीं पे एंट्री मिलेगी। तो फिर मैंने वो प्लेस करने शुरू किए और उनके सामने मैंने एक्टिंग करके दिखाई। तो बोले कुछ कर लेते हो, लाइन वाइन बोल लेते हो? जब आप गए वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि एक्टिंग कर लेते हो। मैंने कहा सर कुछ लाइन याद है? तो मतलब सॉर्ट ऑफ ऑडिशन ही काइंड ऑफ। हाँ हाँ, ऑडिशन। कुछ फोन वोन नहीं था, कुछ कैमरा वैमरा नहीं था। बोले बस खड़े करके दिखाओ क्या कर ले। तो मैंने कांटे फिल्म देखी थी, लेटेस्ट फिल्म। हाँ। तो मैंने उसमें महेश मांजरेकर जी की एक्टिंग कर दी मैंने उसमें। हाँ। और जो कि बहुत खराब मेरी एक्टिंग थी उसमें, और मुझे लगा चलो ठीक ठाक हो गई है। तो उन्होंने बोला, आधे में बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके। हाँ। बोले ऐसा नहीं होता है। बोला क्यों करना चाहते हो एक्टिंग? मैंने कहा सर बस करना चाहते। तो बोले अच्छा रुक जाओ, अभी तुम मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर मैं जाता था, जब मैं उनको रिहर्सल्स में जाने लग गया, वो मुझे प्ले मिल गया, एक लाइन थी उसमें मेरी, उस प्ले का नाम था रक्ताभिषेक। और वहाँ पर मैं जब बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने देखा और मुझे लगा यार ये वाकई मतलब इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी टू रियलाइज दैट ओके दिस इज समथिंग कॉल्ड एक्टिंग। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई बिगेन लाइक दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एक्चुअली मेरी जो कंडीशनिंग हुई एज एन एक्टर, इट एक्चुअली बिगेन ऑन अ वेरी राइट नोट। तो कितने साल तक थिएटर किया फिर आपने? सर मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मैंने स्ट्रीट प्लेस किया। मुझे लगा कि स्ट्रीट प्लेस अपने आप में बड़े इंस्पायरिंग थे। राइट उनके अंदर एक मैसेज था,
तो मुझे लगा ये बड़ी अच्छी चीज है, तो मैंने और वो एक्टर की झिझक भी बहुत खोलते हैं कि आप ऑन स्ट्रीट करते हो। तो फिर मुझे मैंने सोच लिया कि मैंने कहा यार अब मैं ये करूंगा, और फिर मैं यहाँ पर आ गया। मुंबई कब आया, कौन से ईयर में? मैं 9 जुलाई को बॉम्बे आया था। ओके, क्या सोच के आए थे और क्या मिला है? कुछ भी सोच के नहीं आया था सर। अच्छा, सोच के नहीं, प्लान कुछ भी सोच के नहीं आया था, और जो मिला वो बहुत एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा मिला। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बॉम्बे दैट बॉम्बे हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू मी। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू मीट फ्यू वेरी अमेजिंग पीपल एंड आई गॉट टू वर्क विद अमेजिंग सेट ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली कंडीशन मी, यू नो, जिसको बोल सकते हैं मेरी एक्चुअली जो एजुकेशन थी वो मेरी तब शुरू हुई जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई। ये भी बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे बिजॉय नाम्बियार हैं, और मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म करी थी, माइकल कैरन, जर्मन फिल्म मेकर हैं बहुत बड़े, माइकल कैरन, उनके साथ मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म करी थी, द गर्ल विद द इंडियन एमराल्ड। अभी भी आपका एक सीरियल चल रहा है, ऑन एयर है जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे, उसमें करेक्टर क्या है और क्या है प्ले उसमें? सर वो एक एकता जी का शो है जो एकता जी ने प्रोड्यूस किया है, उन्होंने, और ये सबका जो भी टीवी में काम करते हैं वो उनका सपना होता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल बालाजी के साथ काम कर। अपने आप में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐसा वो है कि जो मैं रियल लाइफ में हूँ उससे काफ़ी मिलता जुलता मुझे कैरेक्टर मिला। अच्छा, तो ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होगा। ज़्यादा तो मज़ा लग ही नहीं रहा होगा एक्टिंग कर रहा। तो मैं जो मेरे को जितने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना वो मैं सब कर देता हूँ। और आपको जो फिल्म मिली वो मिली यशराज की? फर्स्ट फिल्म मेरे को यशराज की मिली। तो वो कैसे मिली? सर ये भी बड़े एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। बताइए। सर वो किस्सा क्या है कि मैं ऑडिशंस दे रहा था तो मुझे जी का एक शो मिल गया, और मैं ऑडिशन किसी और शो के लिए दे रहा था, वो शो आया नहीं, जी ने मुझे किसी और शो में डाल दिया। okay. इसका नाम है 12/24 करोलबाग, जो दिल्ली में शूट हो रहा था। और वो मुझे उसमें बहुत अप्रिसिएशन मिला, मेरी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। तो मैं एक दिन शूटिंग ख़त्म करके मैं आ रहा था, और जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैंने हेलमेट नहीं डाला हुआ था, और जो कि मेरे लिए कड़ी कारगर साबित हुई काफ़ी। तो मैंने हेलमेट नहीं डाल रखा था, हेलमेट मैंने साइड में उसको रखा हुआ था, और अब मैं 100 मीटर भी बाइक चलानी होती है तो मैं हेलमेट जरूर डालता हूँ, बिकॉज तो पहनना भी पड़ेगा। अब पहनना भी पड़ता है नहीं तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो खैर कुछ कोई उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी तो मुझे जब वो मिली तो एक मनीष शर्मा जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनके जो असिस्टेंट हैं, उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे कहा कि यार आप एक्टर हैं? तो मैंने बोला जी मैं एक्टर हूँ। तो बोले मैं यहाँ पे एम्बेसडर होटल में रुका हूँ, आप आके मेरे को मिलिए। तो मुझे लगा यार ऐसे कैसे कोई रोल सकता है। बोलते कि मैं यशराज में की एक फिल्म आ रही है रशिया की, उसकी मैं उसके लिए मैं एक कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, तो आप आके मुझे मिलिए। तो मुझे लगा यार ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है मामला, ऐसे कैसे कोई रोक सकता। मतलब वो भी यशराज, अच्छा मेरे बड़ा फिल्मी था अपने आप में, और लेकिन मुझे लगा यार ऐसे नहीं होता यार। तो खैर मैंने अवॉइड कर दिया, मैं नहीं गया। तो कुछ एक महीने के बाद 20-25 दिन के बाद उन्होंने मेरे को फेसबुक पे मैसेज किया कि यार मैं तुमको बुलाया था, तुम आए नहीं। बोले नेक्स्ट वीक में वापस आ रहा हूँ, मुझे आके मिलो। ओके, तो मैं गया उनको मिलने के लिए। अब तो बोले सही है, मैंने कहा मुझे जाना चाहिए मिलने के लिए। तो वो वहाँ पर जहाँ ऑडिशन कर रहे थे वहाँ लंबी चौड़ी लाइन थी, चलो देखते हैं। तो गया तो वो बाहर ही खड़े थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर हाय। तो बोले हाँ आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। तो मुझे उन्होंने अंदर बुला लिया। वो बिल्कुल उन्होंने वैसे वाला ऑडिशन लिया कि पंजाबी बोल लेते हो? मैं बोला जी सर बोल लेता हूँ, मैं पंजाबी फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। तो बोले एक काम करो, कुछ ऐसा मुझे करके दिखाओ जिससे मुझे जो कुछ थोड़ा फ़नी हो, कुछ अपने आप में काबिले तारीफ सा हो, वैसा कुछ अपने आप से कुछ करो, इम्प्रोवाइज करो। तो मैंने इतना बोल के वो चले गए, और कैमरामैन साहब जो थे वो रिकॉर्ड कर रहे थे ऑडिशन। तो मैंने बस जो एक कहानी निकाली अपनी और वो मैंने चिपका दी उधर, और जब मैंने वो करी तो वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने बोला सर मिल गया आपको? तो बोला हाँ वर्ष्टी वर्ष्टी है। तो मैं बाहर आया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर कर दिया, बोला ठीक, मैं चला गया। एक महीने के बाद मैं वापस बाइक चला रहा था, मुझे फ़ोन वाइब्रेट हुआ, मैंने फ़ोन निकाला, देखा 3 मिस कॉल्स थे। तो मैंने कहा अच्छा पता नहीं किसका नंबर है, मैंने वापस डाल के मैंने कहा हेलो हाँ अक्षत बोल रहा हूँ। तो मुझे बोला अक्षत बोले मैं तुम्हारा ऑडिशन लिया था दिल्ली में। हाँ बोलिए बोलिए सर। अच्छा तुम्हारी वो फिल्म का यार हो गया है और तुम बॉम्बे में हो कि दिल्ली में? मैंने कहा सर मैं तो दिल्ली में हूँ। तो बोले आप बॉम्बे कब आ रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं कुछ 15-20 दिन के बाद बॉम्बे आऊँगा। तो बोले जैसे आओगे आप मेरे को मिलना। मैंने कहा ठीक है। मैं बॉम्बे गया तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो मिले, उन्होंने मुझे कहानी वानी सुनाई। तो बोले ऐसा है कि अब 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा शूट है। ओके,
तो मैंने कहा सर कुछ बता दीजिए, कैरेक्टर क्या है, स्क्रिप्ट दे दीजिए कुछ को. तो उन्होंने मुझे ब्रीफ अच्छे से किया और ये ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा है. और बोले बस देखो वो कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग करोगे तो इट्स लाइक अ ग्रेट थिंग टू वर्क विद वायर. राइट राइट. तो मुझे लगा यार वाकई ये अपने आप में अच्छा है. तो चाहे छोटा, मेरा एक बहुत छोटा कैरेक्टर था मेरा, और वो मुझे मिला और मुझे आई गॉट टू वर्क विद मनीष सर, आई गॉट टू वर्क विद यशराज फैमिली, एंड इट वाज इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. बहुत 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 एंड अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है. एक्सपीरियंस अच्छा. मैंने एक चीज क्या देखी कि वहां पर कोई भी जस्टिफाई करने के लिए काम नहीं कर रहा था. वहां पे एक भी इंसान, एक भी अगर स्पॉट भी था तो उसने भी वो जस्टिफाई करने के लिए काम नहीं कर रहा था कि अब मुझे पेमेंट मिला है तो इसलिए मैं काम कर रहा हूं. Everybody was just working towards that film, towards that one goal. They were catering to the vision of the director. और ये शायद इंडस्ट्री की ऐसी बात है जो बहुत ही मोटिवेट भी करती है. मोटिवेट करती है. कैसे सब लोग अपने आप काम कर रहे हैं सर, यही एक रास्ता है. इनको ऐसा नहीं कि मैनेजर की तरह हाँ करा है. जी जी. सब लगे पड़े अपने काम. जी जी. बड़ा है, बहुत ही अच्छा, कमाल की बात है. ये सब यही देखने को मिलता है. बिल्कुल. बहुत अच्छी. अच्छा मनीत, अभी आपकी फिल्म आ रही है जी, और ज्यादातर जो नए लोग होते हैं उनका एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि सर नए लोगों को चांस नहीं मिलता, नए लोगों को चांस नहीं मिलता. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनीत को धीरे धीरे अपने आप चांस मिलते जा रहे हैं. आपको क्या लगता है, वाकई क्या नए लोगों को चांस नहीं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये तो आप तो मतलब एग्जाम्पल हैं. आप इतने सारे लोगों को इंटरव्यू करते हैं. मुझे लगता है कि ये बात ऐसा नहीं है. और मुझे लगता है कि आजकल इनफैक्ट लोग नए लोगों को ही ढूंढा जा रहा है. राइट. इतने सारे हमारे इंडस्ट्री के इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर मुकेश छाबड़ा, मिस्टर मिसेस श्रुति महाजन एंड लॉट ऑफ अदर पीपल. तो वो लोग नए लोगों को ही ढूंढते हैं. और मुझे नहीं मालूम वो कैसे इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ढूंढ के लाते हैं. ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोसेस है. और जब भी कोई अच्छी फिल्म बनती है मैं वहाँ पे जाकर ऑडिशन देता हूँ. और मुझे लगता है कि ऑडिशन का प्रोसेस से ही इंसान को गुजरना चाहिए. आपको सीखने को बहुत मिलता है. right. चाहे मैं उस ऑडिशन में फेल हूँ या पास हूँ, लेकिन मैं जाकर ऑडिशन देता हूँ. और आप यकीन मानना मैं ऑडिशन से ही बहुत सीखा हूँ. ओके. मैं ऑडिशन से ही बहुत सीखा हूँ. मैं जो मुझे मेरे फैकल्टीज ने सिखाया, मेरे टीचर्स ने सिखाया, मुझे मेरे दोस्तों ने जो सिखाया और जो मैंने सीखा अपने एक्टिंग कोर्स के दौरान, उसके अलावा मैं हर दिन मैं जाकर ऑडिशन देता था. अभी भी देते हैं? अभी भी देता हूँ मैं. ओके. कोई फिल्म्स के ऑडिशन देता हूँ. और मैंने इनफैक्ट अभी एक इंटरनेशनल फिल्म का ऑडिशन दिया. अभी जस्ट थोड़े दिन पहले मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म का ऑडिशन दिया. मनीत जी, ये फिल्म है फलसफा. हर एक्टर को अपनी फिल्म के लिए कभी कभी खास तैयारी करनी पड़ती है, चाहे बॉडी पे हो या फिर करेक्टर को लेकर हो. इस फिल्म में आपको क्या करना पड़ा खास? ओके. एज एन एक्टर ये बहुत ही डिमांडिंग फिल्म थी. और जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों की ना आदत हो जाती है कि हम एक कम्फर्ट लेवल में अपने आप को बंद कर लेते हैं. तो मुझे लगा अगर मुझे इस कहानी के साथ जस्टिस करना है तो मुझे अपने आप को बिल्कुल स्विच ऑफ करना पड़ेगा. ओके. क्योंकि ये जो कहानी है वो दिल्ली के अंदर सेटअप है. तो मुझे लगा मुझे दिल्ली में जाके रहना पड़ेगा और रिहर्सल्स मुझे करनी पड़ेंगी. तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर हम लोग रिहर्सल्स करेंगे इसकी. तो उसने बोला कि हाँ हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग 15-20 दिन पहले शुरू करेंगे. मैंने कहा 15-20 दिन पहले कुछ नहीं होगा, कम से कम 2-2.5 महीने पहले हमें रिहर्सल्स इसकी शुरू करनी है. क्योंकि मुझे आमन ढूंढना है, मुझे वो कैरेक्टर ढूंढना है. मुझे जाके मनीत एक्टिंग करूँ मैं चार लाइनें बोलता हूँ, मुझे वो नहीं करना. मुझे उस कैरेक्टर को जीना है. तो मैंने घर वहाँ पर जाके सर के घर के पास मैंने एक छोटा सा रूम रेंट किया, जहाँ पर हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन करी, पूरा सेटअप करके. वहीं पे एक रिहर्सल हॉल था. तो सर मेरे साथ 5-6 घंटे रोज़ रिहर्सल करते थे. रोज़ मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे उठता था और मेरी वॉइस ट्रेनिंग होती है. मैं वो ट्रेनिंग करने के बाद वो पढ़ने के लिए बैठ जाता था स्क्रिप्ट. एक बारी मुझे पूरी कहानी पढ़ने के लिए कम से कम 3 घंटा और 15 मिनट 20 मिनट लगते थे. और धीरे धीरे वो टाइम कम हो गया. मैं 3-4 बारी उसको पढ़ता था कहानी को पूरे दिन में, उसको समझने के लिए कि कहानी क्या है. तो मैंने लगभग 150 बारी पूरी की पूरी कहानी पढ़ी. लेकिन आपने और भी बॉडी वगैरह पे भी बॉडी पे एक्चुअली मैंने काम किया. क्योंकि जो अमन का कैरेक्टर था वो उसके 2 शेड्स हैं. ओके. एक में वो कॉलेज जाता है, दूसरे में जब पोस्ट कॉलेज जब उसके लाइफ में जब चेंजेस आते हैं. हाँ. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, पहले तो जिम में जाना बंद करो. तो ये अपनी जो तुम्हारे सामने सारे बड़े बड़े बाइसेप्स थे, बॉडी थी, चेस्ट वेस्ट बड़ी थी, तो उन्होंने बोला ये सब उतारो. ओके. सर बड़ी मेहनत करके बनाया. बोले मैं समझता हूँ मेहनत करके बनाया, उतारने में भी उतनी मेहनत है. उतारने में भी उतनी मेहनत है. तो अगर आप फिल्म देखेंगे तो उसमें दो एक स्टार्क डिफरेंस है. ओके. जो मतलब जो मैंने कॉलेज का प्ले किया है और जो मैंने उसके बाद प्ले किया है, एक स्टार्क डिफरेंस है. जो कि और वो विजुअली बहुत अच्छा भी लगता है. अच्छा लगता है कि टाइम हुआ है, ऐसा लगता है कि रियल है. आपके साथ आप कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर रहे हैं. मतलब आप सिर्फ कहानी कहने के लिए सिर्फ आपने कपड़े नहीं डाल लिए उस कैरेक्टर के,
आप उसको अगर प्रॉपरली जी रहे हैं तो आपको फिर उसकी साइकी के अंदर घुसना पड़ेगा। सर मुझे अपने कॉलेज लेकर गए, मुझे लगा मुझे जानना है कि कॉलेज में लड़के कैसे बिहेव करते हैं, मैं भूल गया हूँ। तो आगे भी आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करें, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल करें। थैंक यू सो मच, यही मेरी दुआ है, यही हमारी विशेष है। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वाज प्लेजर मीटिंग यू। तो ये थे मनित, जिनकी फिल्म आने वाली फलसफा। हालांकि फिल्म तो इनकी पहली है, मतलब एज अ मेन लीड, लेकिन इससे पहले वो फिल्म कर चुके हैं यशराज की, बहुत सारे सीरियल कर चुके हैं, मॉडलिंग कर चुके हैं, थिएटर कर चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं एक्टिंग की, उसके बाद अब आपके सामने आ रहे हैं। मुझे मालूम है इनको बहुत सारे सीरियल्स में आपने देखा है, पसंद किया है, लेकिन आज के इस वीडियो से जो हमें समझ में आया, जो हमने सीखा, उसको ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं। पहली बात तो ये सीखी कि एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है और ये सीखी जा सकती है। सीखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको कई बार लगता है, जैसे मनित को पहले लगा कि यार वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, और वो जब वो ऑडिशन के लिए गए एक ड्रामा के लिए, तो उन्होंने अपनी तरफ से प्ले भी किया, लेकिन वहाँ पर उनको पता चला कि नहीं, ये एक्चुअल एक्टिंग नहीं है। और वहाँ पर जब उन्होंने सीनियर कलाकारों को एक्टिंग करते हुए देखा, तब समझ में आया ओहो मुझे सीखना पड़ेगा। कि आप सोचते हैं कि आपको एक्टिंग आती है या वाकई आपको एक्टिंग आती है, इसके लिए आप या तो ऑडिशन दे सकते हैं या फिर और किसी तरह से जज कीजिए। अपने मोबाइल पर जज मत कीजिएगा, मोबाइल के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, बात है कि कैमरे के सामने आप कॉन्फिडेंटली एक्टिंग कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात सीखने को मिली कि वो उनका जो डेडिकेशन था, कि वो जब यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको फिल्म ऑफर हुई और उनको रोल पसंद आया, तो उन्होंने यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ होके दिल्ली चले गए, वहाँ पर रिहर्सल की, वर्कशॉप की, और डायरेक्टर के साथ बैठ के पूरा उस रोल को अच्छे से समझा, गहराई से समझा। तीसरी बात सीखने को और समझने को ये मिली कि एज एन एक्टर जब आपके इनपुट मिलते हैं डायरेक्टर को, तो कई बार वो मानते भी हैं, कई बार नहीं भी मानते हैं, तो आपको दोनों ही परिस्थितियों के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली एट लास्ट ये डायरेक्टर मीडियम है। उन्होंने जिस तरह से सब्जेक्ट को सोचा हुआ है, फिल्म की पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक सोचा हुआ है, वो शायद आप उतना जल्दी ना समझ पाएं, तो कई बार आपको सरेंडर भी करना पड़ता है, और ये फिल्म के लिए अच्छा ही होगा। एक और बात समझने को मिली वो ये कि आपका एज एन एक्टर सिर्फ एक्टिंग ही काम नहीं करती, ये भी काम करता है कि आप कितनी टफ सिचुएशन में कब कब कैसे कैसे काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि मनित को इस फिल्म के लिए जब अपनी बॉडी पे भी वर्कआउट करना पड़ा, मतलब एक जगह पे बहुत मस्कुलर बॉडी और एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं, तो उन्होंने उसके लिए भी पीछे नहीं हटे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका डेडिकेशन हो, पैशन हो, और आप पूरी तरह से कमिटेड भी हों। जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें आपका खुद का कमिटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मुझे मनित से मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये जान के भी अच्छा लगा कि वो जॉइन फिल्म्स के वीडियो पहले से देखते रहे। जॉइन फिल्म्स आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर कीजिएगा। और भी आप लोगों के सीखने के लिए फ्री वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं जॉइन फिल्म्स में, उन सभी को देखिएगा और अपने करियर में आगे बढ़िएगा, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मंशा है। मनित ने इस फिल्म इंडस्ट्री से जो भी सीखा, जो भी समझा, सब कुछ इस वीडियो में सिखाया, फिर मत कहना नहीं बताया। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।